أدعو ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين سورة ملك آيت نمبر 10 وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير सूरह मुल्क की जो पहली आयात हमने सीखी उसमें अल्लाह सुबहाना ताला ने शुरू में अपना इंट्रोडक्शन करवाया। इंट्रोडक्शन करवाने के बाद अल्लाह सुबहाना ताला अब बता रहे हैं किन लोगों ने उन सब चीज़ों को देखकर जो अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ के लिए दुनिया में बनाई है देखने के बाद भी इनकार करते हैं, और इनकार करने वालों का अंजाम भी हम पिछली आयात में पढ़ गए हैं कि वो जब उनका लास्ट पे जहन्नम में जाने के बाद उनका अंजाम होगा उससे आगे आके फरिश्ता पूछेगा क्या ही क्या वजह थी कि तुम इस जगह पर आ गए, तो बस वो यही कहेंगे कि हमें समझाने वाले तो बहुत ज्यादा थे लेकिन हम उनकी बात नहीं समझते थे, हम उनको झूठा कहते थे, हम उनको झुठला देते थे। अब वो खुद ही परेशान होंगे और परेशानी में क्या कहेंगे, वकालू लो कुन्ना नस्माउ, कहेंगे काश हम सुन लेते। लोग कुन्ना बहुत बेचारगी की हालत में कहेंगे काश हम सुनते, काश हम समझ लेते, काश हमें अक्ल आ जाती, आज हम इस हालत में ना होते। गलती उनकी इस हद तक होगी तो इंसान की ये गलती होती है कि इंसान हक बात सुनाने वालों की सुनना ही नहीं चाहता। क्यों? कभी सुनाने वालों से जिद हो जाती है, कभी उनकी पर्सनैलिटी पसंद नहीं आती, कभी क्राइटेरिया जिंदगी जीने का जो हमारा होता है उनके साथ मैच नहीं करता। हम ना अपने पसंद के बंदे से सुनना चाहते हैं, यानी वो बंदा जो हमारी सोच के मुताबिक नहीं होता, वो हक बात भी कहते हैं हम उसकी हक बात सुनना तो दूर की बात उसको पसंद भी नहीं करते। कभी ऐसे होता है कि सुनाने वालों से खुद को ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, ज्यादा बेहतर समझते हैं कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसके पास इतना इल्म नहीं है, इसके बाद आज के दौर के मुताबिक वो इल्म वो मयार वो स्टैंडर्ड नहीं है, इसको कुछ नहीं पता, इसको मॉडर्न दौर का नहीं पता, मैं इसकी क्यों सुनूं। इंसान अपने मन गलत किस्सों की वजह से, अपनी फर्जी ख्याली दुनिया की वजह से, अपनी मर्जी के ख्वाबों की वजह से सच बताने वालों खास तौर पे कुरान समझाने और समझने वालों की बात को सुनना ही नहीं चाहता। अब एक और बात कि इंसान क्यों नहीं सुनना चाहता। इंसान समझता है कि अगर मैंने सुन लिया तो मुझे माननी पड़ेगी, मुझे अमल करना पड़ेगा। यकीन जाने बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कहा जाता है कि आप कुरान को ज्वाइन करें तो रिस्पॉन्स पता क्या आता है, मुझसे अमल नहीं होता, और जब अमल नहीं होगा तो मुझे डबल गुना होगा। अल्लाह तौफीक अता कर रहे हैं कि आओ सुनो, अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारी इस हुज्जत की वजह से हमें छोड़ नहीं देंगे कि हम अल्लाह को कहेंगे कि हम अमल नहीं कर पा रहे थे इसलिए हम नहीं सुनते थे। हमारा ना सुनना ही हमारे लिए बासे गुनाह है, हमारा ना सुनना ही हमारे लिए बासे जुर्म है कि हम अल्लाह की बात को सुनना पसंद ही नहीं करते, बजाय इसके कि हम ये कि काश सुने, और सुनने से हो सकता है हमारा ईमान ताज़ा हो जाए, हम अमल की तरफ आगे बढ़ जाए। अमल करना मुश्किल नहीं होता, दिल तक बात चली जाए तो फिर अगला काम हमारा नहीं है, अगला काम हमारे दिल का है, वो हमसे काम करवाता है, वो हमें डांट डांट कर बुरे कामों से बचाने की और नेकी की तरफ उभारने की कोशिश ही करता है। हमारा काम होता है दिलो दिमाग के साथ सुनना,
एक तो कानों के साथ सुनना, कानों के साथ हम कोई भी चीज सुन सकते हैं, ठीक है। एक होता है दिल की कानों के साथ सुनना। तो जब हम सुन लेते हैं ना, तो फिर सुनने के बाद जब दिल बदलता है, जब दिल बदलता है तो दुनिया बदल जाती है, जिंदगी बदल जाती है, सोच बदलती है, तो इंसान के आमाल भी चेंज हो जाते हैं। फिर बुरी महफिलों को छोड़ना भी आसान हो जाता है, बुरी कंपनी को छोड़ना भी आसान हो जाता है, और वो तमाम काम जो हम कर नहीं पा रहे होते, यानी जहां पे हमें लगता है कि हम ये वाली लाइफ नहीं छोड़ सकते, हम अपनी जिंदगी की ये मजे नहीं छोड़ सकते, तो जब हम दिल से सुनते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे लिए हर मजा छोड़ना, हर वो काम जिससे अल्लाह खुश नहीं होते, नाराज होते हैं, आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम आज नहीं सुनेंगे ना, तो कल को अगर हमें सजा दी जाएगी ना, तो फिर हमारी भी कैफियत ऐसी होगी, हम कहेंगे काश काश के हम सुन लेते, काश के हम समझ लेते। आप देखिए कि अगर हम सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो कोई भी अच्छी चीज आती है ना, हम उसको भी नहीं सुनते। यकीन जाने इस कदर ईमान और इस कदर फितने हमारे सर पे हावी हो चुके हैं कि हम कोई तिलावत या कोई अच्छी बात, कोई अच्छा लेक्चर, कोई पॉजिटिव जो हमारे सामने डिस्कशंस आ रही हो, हम उसको 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं सुन सकते। इतनी बेबसी है हमारी अकल की और हमारे ईमान की कमी की। और अगर कॉमेडी शो देखने हो, फनी चीजें देखनी हो, किसी सेलिब्रिटी की तो बात हम ये कह रहे थे कि अगर इसके बरक्स हमें किसी सेलिब्रिटी की कोई वीडियो या उनकी पिक्स वगैरह या कॉमेडी शो देखनी पड़े, तो हम घंटों उस पर वक्त ज़ाया कर देते हैं। लेकिन अगर कुरान की बात की जाए ना, कुरान की आयात की बात की जाए, कुरान की डिस्कशंस की बात की जाए, या इस तरह से कोई भी सेशन ज्वाइन हमें करना हो, तो हमें बहुत सी बातें याद आ जाती हैं कि अच्छा मेरा काम ये भी रहता था, ये काम मैंने करना है, मैं फ्रेश नहीं हूँ, मेरा माइंड सेट अच्छा नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें हमारे जहन में आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर अगर हम दुनिया में इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, सुनते ही नहीं और दिल तक जाने ही नहीं देते, तो फिर हमारा भी हाल वैसा ही होगा जो पछताएंगे क्यामत के दिन। अच्छा चलिए, सुनना तो दूर की बात, देखने से भी इंसान की ना बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती है, लेकिन क्या बात है कि हम किसी चीज़ को, अच्छी चीज़ों को देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों की जो नेक सॉलिहीन लोग होते हैं, इनकी कंपनी को भी ज्वाइन करना पसंद नहीं करते, नेकी की राह पे चलने वाले को अपनी राह पे चलाते हैं। अगर कोई इंसान कुरान के साथ जुड़कर कुरान के मुताबिक ज़िंदगी जीने लगता है ना, तो उसे कहा जाता है कि तुम दुनिया के साथ नहीं चल सकोगे, तुम्हें बदलना होगा, आज के दौर के मुताबिक तुम्हें बनना होगा। एक तो गुनाह हमारा अपना कि हम खुद कुरान के साथ, अल्लाह की बात के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ अटैच नहीं होना चाहते, और दूसरा कि हम दूसरों को भी मना करते हैं। अगर कोई अमल कर रहा हो ना, तो लोगों की बातों से बचने के लिए उसका वो अमल छुड़वा देते हैं। क़यामत के दिन की जो हमें शर्मिंदगी होगी, उससे बचने के लिए हमें आज अपने आप को चेक करना चाहिए। फिर इंसान क्या होता है कि जब इंसान खुद सुनना नहीं चाहता, इंसान अपने उन पर कान नहीं धरता, तो अल्लाह ताला भी उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं। ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم। अल्लाह कहती है उनके दिलों पर, उनके कानों पर, उनकी आंखों पर हम पर्दा लगा देते हैं, उनके दिलों पे मोहर लगा देते हैं, और फिर उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब।
اللہ تعالیٰ سورت کہف میں فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے, ان کو ہم نے توفیق ہی نہیں دی کہ وہ سمجھ سکے. تو انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میری بہادری ہے میں قرآن کو نہیں پڑھ رہا, میں قرآن کو اگنور کر رہا. یہ بات ہے کہ ہم ایک دو دفعہ اس کو اگنور کرتے ہیں, پھر اللہ توفیق ہی نہیں دیتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بے قدر لوگوں کے ہاتھ اتنی خوبصورت قیمتی چیز نہیں جانے دیتے. جب انسان انٹرسٹ شو نہیں کرتا, جب انسان دلچسپی نہیں لیتا, جب اس کے جذبات, اس کے خیالات, اس کی زندگی کے خواب بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اس کی پہنچ قرآن سے دور کر دیتا ہے. جس کو حق اچھا نہیں لگتا, پھر اللہ کا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ ضرور ہی دلوں پہ اتارا جائے. جو دل تک آنے نہیں دیتا, قرآن پھر مڑ کر اس کے پاس نہیں آتا. آپ اس کو اگنور کر کے تو دیکھیں, یہ آپ کو ڈبل اگنور کرے گا. قرآن اتنی سستی چیز نہیں ہے جس کو ہم اتنا سستا اور اگنور کرتے جا رہے ہیں. آج دیکھیں ہم تلاوت تو کر رہے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جی ہمیں تو قرآن اللہ نے دیا ہے, ہم سب ہم قرآن سیکھ رہے ہیں, اس کو پڑھ رہے ہیں, اس کے ورڈ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو قرآن پڑھنا آ رہا ہے, لیکن بات یہاں پہ ہو رہی ہے دلوں پہ اثر کرنا کہ آپ کی زندگی بدل رہی ہے قرآن سے کہ نہیں. کیا آپ, اب بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو قرآن کو لفظی تلاوت پہ تو فوکس کرتے ہیں, لیکن جب بات تفسیر کی آتی ہے یا سمجھنے کی آتی ہے تو اللہ نے ہر ایک کو توفیق تو نہیں دی. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ تلاوت کرنے والے تو بہت زیادہ ہیں, اور اب ماشاء اللہ سے بہت شوق بھی آ رہا ہے لوگوں کے اندر. یہ بہت اچھی بات ہے کہ پہلے اسٹیپ پہ تو آ رہے ہیں, لیکن نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا. سمجھیں گے تو ہدایت ملے گی, ہدایت ملے گی تو عقل آئے گی, عقل آئے گی تو جہنم سے بچ سکیں گے, اس دن کے پچھتاوے سے بچ سکیں گے. اس لیے ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ارادہ, ہماری کیفیت, ہماری فیلنگس کیسے ہیں, ہماری شوق کیسے ہیں, ہماری شوق اس کے ساتھ جڑنے کی ہے یا اس سے دور جانے کی ہے. ہم اس کی مجلسوں کو جوائن کرنا پسند کرتے ہیں یا ان سے دور جانا پسند کرتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں, خود بھی عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی نہیں جانے دیتے. ہم کہتے ہیں کیا سننا ہے, سارا ہم نے اسلامیات کی کتابوں میں تو پڑھا ہوا ہے, ساری سکس کلاس میں پڑھا, سیون میں بھی پڑھا, ماسٹرز تک پڑھا ہے, اور گریجویشن تک آپ نے اسلامی اسٹڈیز کو پڑھا ہے, اور اس میں سب کچھ ہے. تو ضرورت نہیں ہے مزید سیکھنے کی. آپ آخری دم تک بھی سیکھتے رہے تو آپ دین کے تمام احکامات کو سمجھ نہیں پائیں گے. قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کو اگر ہم سیکھنے لگے, ایک لفظ کو سیکھنے لگے, تو ہم اس لفظ تک پہنچ ان تمام الفاظ کو نہیں سیکھ سکتے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں غور کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو بھی منع کریں جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. لا تسمعوا لهذا القرآن, ایک دوسرے کو کہتے تھے اس قرآن کو نہ سننا, قرآن کو مت سنو, یہ تمہارا برین واش کر دے گا. اور آج ہم بھی ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں فلاں بندے کی بات نہیں سننی, وہ برین واش کرتے تھے. جب عقیدے چینج ہونے لگتے ہیں, جو لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں, جب وہ سیدھی راہ پہ جانے لگتے ہیں, توحید کی طرف آنے لگتے ہیں, تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کے پاس گیا, فلاں کو سنا, تو اس کا برین واش ہو گیا. پھر باقی بچوں کو یا باقی جو رائٹرز ہوتے ہیں ان کو خاص طور پہ نصیحت کی جاتی ہے فلاں کی بات نہیں سننی, فلاں ادارے میں نہیں جانا, فلاں کی ڈسکشنز نہیں سننی. وہ برین واشنگ کرتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا تھا نا کہ یہ جادوگر ہے اور یہ جادو کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں, بالکل ہم بھی آج ایسے ہی کرتے ہیں. اور اگر کبھی کسی آیت کا ہمارے کانوں سے گزر ہو بھی جائے تو کیا کرتے تھے وہ لوگ مشرکین مکہ, جب ان کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں تو تکبر کر کے منہ موڑ جاتے تھے, گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں. اس لیے ہمیں قرآن میں کہا گیا نا, وَلَا تَقُولُوا كَالَّذِينَ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ انہوں نے سنا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو سننا صرف کانوں سے سننا نہیں ہوتا, سننا ہوتا ہے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے سننا, ایسا سننا کہ دل بدل جائے, ایسا سننا کہ دل پر وہ باتیں اثر کریں.
तो गोया जहन्नुम में जाने की उनकी वजह क्या होगी कि वो हक बात बताने वालों और अल्लाह की बात को लाइक ही नहीं करते थे, अल्लाह की बात को पसंद नहीं करते थे। अल्लाह का कलाम पढ़ना, अल्लाह का कलाम सुनना, अल्लाह के कलाम को समझना उनके पास वक्त नहीं था। आप 24 आवर्स में देखें कितने मिनट्स, कितने सेकंड्स कुरान को समझने में गुजार रहे हैं। कंपेयर करें बाकी एजुकेशन के साथ जो दुनिया के लिए हम करते हैं, कितना वक्त लगाते हैं। सोचिए कितना टाइम है कि जो हम कुरान को समझने पे गुजार रहे हैं। अगर आज नहीं ना सोचेंगे, ये भी अल्लाह ने तौफीक दी है, तो फिर आज भी नहीं सुनेंगे ना, तो फिर हम वाकई कहेंगे लोगों ना ना सुनो, काश हम सुन लेते। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कानों से सुनते हैं, पूरी तवज्जो से नहीं सुनते। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कोई ड्रामा देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं या कोई कॉमेडी शो देखते हैं, तो आप काम करने के दौरान बहुत कम होता दिखते, आराम से सुकून से बैठ के फ्रेश होने के लिए सामने लगाते हैं और पूरी इनहमाक के साथ सुनते हैं और देखते हैं डायलॉग्स को, एक एक सीन को। अगर किसी सीन को मिस कर दें तो दोबारा से पीछे जाके देखते हैं। और जब कोई इस्लामिक लेक्चर हो या इस्लामिक वीडियोज हो तो हम उसको लगा के रख देते हैं, वो चलता रहता है और अपने काम करते हैं, हमारा जहन बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं होता, पूरी तवज्जो से सुनते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। तो ये इंसान की खुशकिस्मती होती है कि इंसान कुरान को तवज्जो से सुने। अगर कोई नहीं सुनता तो अगले सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कान बंद तो दिल भी बंद हो जाएगी। जिसके कान खुले हैं दिल तक बातें नहीं जाएंगी तो जिंदगी नहीं बदलेगी। हम सब अपने अपने सुनने पे गौर करें कि हम अल्लाह का कलाम कितने फीसद बैठ कर अपनी क्लासेस में सुनते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हाजिर ही नहीं होते, और सोचों में मगन होते हैं, कामों में लग जाते हैं और एक्टिविटीज में कि कुरान की क्लास हो रही है, साथ साथ और एप्स खोल कर उनको देखते रहते हैं। गौर करना है कि हमारा सुनना कैसा होता है, कोई और फिक्र तो नहीं हमारे दिमाग में छाई हुई, वाकई हम सुनने का हक अदा कर रहे हैं कि नहीं, जो सुनते हैं उस पे तवज्जा है कि नहीं, दिल को बातें लगती हैं, दिल को टुकराती हैं। क्योंकि अगर सुनेंगे नहीं तो दिल नहीं बदलेगा, और अगर दिल नहीं बदलेगा तो अमल नहीं बदलेगा, और जब अमल नहीं बदलेगा तो जैसे हम हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, जिंदगी गुजारने का मकसद हमें नहीं मिलेगा। इसलिए कुरान की क्लासेस को बहुत से स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं लेकिन उसका हक ही नहीं अदा करते। आपको पता है अगली बार अल्लाह शाज़ो नाज़िल है कि उसको तौफीक दे। हमारे पास ना एक ऐसी स्टूडेंट थी जो हमारे हर कोर्स को ज्वाइन करती, सिर्फ ज्वाइन करती थी बल्कि पेड कोर्सेज भी होते थे उनमें भी वो इनरोल करती और बिल्कुल अपनी कम्प्लीटली फीस भी सबमिट करवाती, लेकिन कोई एक क्लास भी नहीं होने पाती। तफ़सीर को भी ज्वाइन किया, तजवीद को भी किया, जितने भी कोर्सेज थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करना भी छोड़ दिया। यानी जब हम हक नहीं अदा करते तो फिर अल्लाह ऐसी महफिलों में दाखला ही नहीं लेने देते हमें, ऐसी महफिलों में इनरोल करवाती नहीं। इनरोल करवाना भी तो गवाही हो जाता है, लेकिन जब हक ना अदा हो तो अगली तौफीक छीन ली जाती है। तो लिसनिंग पहला स्टेप होता है, और लिसनिंग सिर्फ कानों से नहीं, दिल तो तवज्जो के साथ सुनना, समाअत इसी को कहते हैं। अब देखिए ना, अल्लाह कहते हैं ना खतब अल्लाह अला कुलूबिहिम वअला समिहिम, तो अल्लाह ने उनकी इस बात पर मोहर लगा दी, ठीक है। तो क्या उनके कान बंद हो गए थे? वो फिजिकली तौर पर सुनते नहीं थे, सुनते तो है थे लेकिन वो दिल से नहीं सुन पाते थे। इसलिए हमें गौर करना है इन अल्फाज पर, वकालू कुन्ना नस्मा औ नाकिलू, कि अल्लाह ना करे कि कल क़यामत को भी हमारा ये हाल हो, वहां जाकर उनको हसरत होगी, काश ये कितनी, ये बहुत अफसोसनाक हालत होती है जब इतना नुकसान हो जाता है और कहते हैं काश मैंने ये ना किया होता। मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, कुछ देर पहले मैंने ना एक
बहुत ही मजेदार और टेस्टी पिज्जा बनाया। और यानी जब से मैंने बनाना शुरू किया फर्स्ट टाइम था कि बहुत ज्यादा टेस्टी था, कि देख कर भी दिल खुश हो रहा था। उसकी फिजिकली उसकी जो लुक थी वो भी बहुत प्यारी थी, और उसका जो अंदर से जायका था वो भी अच्छा था। तो शायद माशाल्लाह नहीं कहा तो उसको दूसरे घर में लेके जाना था। रास्ते में मैंने अपनी छोटी सिस्टर को कहा, एक मिनट पकड़ना, मैं अपना स्कार्फ सही कर लूँ। तो एक मिनट उनको पकड़ाया, और आगे कोई बाइक थी उसके साथ, उनका बाया जो हाथ है वो लगा और वो नीचे गिरा, और सारे का सारा यानी उसकी जो उसका फेस है जो खूबसूरत लग रहा था वो ही जमीन पे जा गिरा। अब उसको उठा तो लिया, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद जब इंसान खाने का वक्त आए और इंसान के साथ ये कैफियत हो तो कैसी फीलिंग्स होती हैं। वो फीलिंग्स मेरी इस कदर, मुझे जिंदगी में कभी वैसी फीलिंग्स नहीं आई थी कि मैं सोच रही थी कि जो लोग इतना बिजनेस करते हैं और उनको जब लॉस होता होगा उनकी क्या कैफियत होगी। कि इस तरह से माइंड गायब हो गया कि इतनी मेहनत की, 2-3 घंटे लगाए, इतनी प्यार से खुलूस के साथ मैंने इसको बनाया और सबसे अच्छा बना आज, तो क्या कैफियत। काश मैं अपनी सिस्टर को ना पकड़ाती, मैंने खुद सारी राह पकड़ा। सिर्फ जब घर में एंटर होने लगे तो सिर्फ चंद स्टेप्स पीछे थे कि जब मैंने उसे पकड़ा दिया। काश मैं ना पकड़ाती, वो काश वाली जो फीलिंग्स होती है ना, इतनी आपको बता नहीं सकती कि इतनी ज्यादा वो पछतावा इंसान को परेशान करता है कि इंसान को समझ नहीं आती कि वो क्या करे। छोटा सा वाक्य, छोटी सी मिसाल है, आप खुद सोचें क्यामत के दिन जब हम काश कहेंगे तो उस वक्त हम ना खुद को मार सकते हैं, ना हम फौत होकर वापिस आ सकते हैं। ये जो हसरत होती है ना, ये अंदर ही अंदर इंसान को मार देती है, और जहन्नम का एक अजाब काश होगा हमारे पर। आप खुद सोचें कि जहन्नम में जब हम आखिरत का दिन होगा, मैदान हशर में जाएंगे, तो वो 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। तो इंसान को लगेगा कि उस दुनिया के अंदर सिर्फ 2 या 3 घंटे या चंद घंटे रह गया है या एक दिन रह गया है। आप खुद सोचें कि अगर आपको कहा जाए कि आपने 1 घंटा या 1 दिन ये काम नहीं करना, तो आपको आइंदा के दिनों में फ्री सारे काम दिए जाएंगे, हर चीज की इजाजत आपको। अब आखिरत के दिन जाके हमें पता चलेगा कि हमने तो 1 दिन गुजारा वहां पे। आप खुद सोचें उस वक्त की कैफियत कैसी होगी कि 1 दिन, काश मैं 1 दिन बचा पाती, काश वो 1 दिन को बचाने की तौफीक मुझे मिल जाती। वो 1 ही दिन तो था, वो चंद घंटे तो थे, मैं दुनिया में इतनी थोड़ी देर जिंदगी गुजार के आई। वो 60 साल जिंदगी इंसान के सामने थोड़ी सी होगी, क्योंकि उस दिन तो दिन ही 50,000 साल के बराबर होगा। कंपेयर करें, तो 50,000 साल जिए तो उस दिन काश ही काश होगा, और काश वाला अजाब सबसे दर्दनाक अजाब होगा। आज सुनाने वाले हैं तो उनको सुनना पसंद करना चाहिए। ये ना हो कि एक वक्त ऐसा आए कि हमारे पास सुनाने वाले कोई ना हो, और फिर हम दोबारा पिछले वक्तों में नहीं आ सकेंगे। ठीक है, हमने सोचना है कि जब हम कम से कम कुरान को ज्वाइन करते हैं और कुरान की क्लासेस लेते हैं, तो कम से कम उस टाइम पे हम अपने आप की को इतना एक्टिव रखें, सारी एक्टिविटीज छोड़कर तवज्जो के साथ उसका हक अदा करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं हम रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, तो आपको शायद इस चीज़ का खुद ही एहसास होगा कि रिकॉर्डिंग हमें सुनने का टाइम मिलता है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी पिछली रिकॉर्डिंग होंगी, मुश्किल टाइम होता है कि वो रिकॉर्डिंग सुनी जाए, बहुत मुश्किल होता है रिकॉर्डिंग्स के साथ अपने आप को सेट करना। इतना वक्त ही नहीं हमारे पास होता, इतना टाइम ही नहीं होता। इसलिए आज ही जो वक्त है उसको हमने अपने लिए बेहतरीन बनाना है। कुन्ना नस्मा औ ना किलुमा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, कहेंगे अगर हमने सुना या समझा होता तो हम दोज़खियों में ना होते।
फातरफू बिज़म्बिहिम, फिर वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, इतराफ कर लेंगे, पहचान लेंगे। लेकिन क्या अब फायदा होगा उस दिन अपने गुनाहों को पहचानने का? दुनिया में तो कहते थे ये तो नहीं गुनाह, सब लोग ही तो करते हैं, अब मैं अकेले कैसे गुनाहों को छोड़ सकती हूँ? पूरी कंपनी तो करती है, मेरी सारी दोस्तें ऐसे करती हैं, सारे घर वाले ऐसे करते हैं, मेरे सारे ससुराल वाले ऐसे करते हैं, मैं कैसे खुद को बचाऊँ? अभी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो दिल है, आज अपने गुनाहों का इकरार नहीं ना हम करते, इतराफ ही नहीं करते। कोई हमें गलती बताए, हम कहते हम मानते ही नहीं है, मानिए तो शायद छोड़ दे। तो वो अपने गुनाहों का उस दिन इकरार करेंगे, लेकिन उस दिन कोई फायदा नहीं होगा। आज दुनिया में गफलत की नींद सो रहे हैं, क्यामत के दिन कोई नहीं सो सकेगा, जब जहन्नम के अज़ाब को देखेगी तो नींद ही नहीं आएगी, जहन्नम के शोलों को देखकर। दरअसल ना हमारी टेंशन चेंज हो गई है, हमारी फिक्रें बदल गई है, हमें फिक्र आखिरत की नहीं है, हमें फिक्र नेक काम करने की नहीं है, हमें फिक्र अल्लाह को खुश करने की भी नहीं है, हमें ये नहीं फिक्र कि हमारी नमाज किस तरह से है, वक्त पे है कि नहीं, खुशू वाली है कि नहीं, वो भी कम्प्लीटली दुनिया की सोचों में गुजर रही। यकीन जाने हमारा बहुत बुरा हाल है, हमारी जो हालत है ना काबिले रहम है, हमारे ईमान का इतना सत्यानाश हो चुका है, हम इस कदर गुनाहों की दलदल में, गफलत की दलदल में, फितनों की दलदल में फंस गए हैं, हमें एहसास नहीं, जगाने वालों की भी कमी होती जा रही है। पहले हर घर में पेरेंट्स होते थे, बच्चों को मना करते थे, अब पेरेंट्स खुद गफलत की नींद में, कौन समझाए, कौन बताए, कौन जगाए? वक्त था ना एक फजर में माँ बाप बच्चों को जरूर उठाते थे, अब जब पेरेंट्स नहीं उठते तो बच्चों को कौन उठाएगा? बहुत कम ऐसे घराने हैं जहाँ में फजर की नमाज अदा होती है वक्त पे, कोई रिमाइंडर भी नहीं रहा, सिर्फ अपना आप राय, सही करेंगे तो बच सकते हैं, अदरवाइज हमारा अंजाम भी ऐसा होगा, हमें भी बचा नहीं सकेगा। उस दिन गुनाहों का इतराफ करना फायदेमंद नहीं होगा, हमें अपनी टेंशन, अपनी फिक्र, अपनी तरजीहात को बदलना है, हमें आखरत की फिक्र भी करनी है। फिरौन ने भी तो आखिरी वक्त में इतराफ किया था ना, क्या उसका इतराफ कामयाब हुआ था? क्या उसका मानना कि रब रब है, मेरा अल्लाह ही है, बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ था। जरूरत आज है गलतियों को मानने की, अगर आज भी गलतियों को नहीं मानेंगे तो फिर अल्लाह कहते फसुहतन लि अस्हाबिस सईर, सो दोज़खियों के लिए अल्लाह की रहमत से दूरी है, लानत है जहन्नम वालों के लिए। सहाका का मतलब होता है पीसना, यानी मुकम्मल बर्बादी है, खसारा है ऐसे लोगों के लिए जो आज तो आंखें नहीं खोलते, आज तो सुनना पसंद नहीं करते, आज तो इतराफ नहीं करते। जब दिल नहीं बदलेगा तो इतराफ कैसे होगा? तो उस दिन बर्बादी होगी, उस दिन कोई सहारा नहीं होगा हमारे पास, क्या जा सके। इसलिए अपने आप को आज के दौर में ही, आज के दिन ही ठीक करना है इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे ना खुद को चेंज करने की, खुद को बदलने की, अल्लाह की बातों को, अल्लाह के कलाम को, अल्लाह की जो किताब है उसको समझने की और फिक्र करने की, अपने लिए रिमाइंडर सेट करें। और आपको एक एडवाइस भी है कि कुरान को समझने वाला कुछ ना कुछ जरूर ज्वाइन किया रखें, चाहे आप कोई क्लास ना लें, लेकिन अपनी डेली रूटीन के अंदर कोई एक्टिविटी ऐसे जरूर रखें कि मैंने कुरान की कोई एक आयत तो जरूर समझ ली। नहीं, लेकिन एक मुश्किल काम है, चाहे आप ना याद कर सके लेकिन सुने तो जरूर, एज अ लिसनर कोई ना कोई कुरान दास जो खास तौर पे समझाने वाली हो, जो दिल को चेंज करने वाली हो, उसको जरूर ज्वाइन किया करें किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी जगह से, ताकि कम से कम दिल मुर्दा ना हो, ताकि हमें रोज रिमाइंडर मिलता रहे, ताकि हम रोज इतराफ करते रहे अपने गुनाहों का। क्योंकि यकीन जाने कुरान के अलावा किसी की बात हमारे दिल पे असर नहीं करती, कुरान के अलावा
कोई भी हमें ना समझ सकता है, ना हम किसी की बात को अपने दिल तक आने देते हैं। हम अपने पेरेंट्स की बात नहीं समझ पाते, वो हमें मिस्टेक्स बताएं। वैसे भी पेरेंट्स की भी टेंशन चेंज हो गई है, वो हमें संवारते तो हैं लेकिन इस दुनिया के लिए संवार है। यकीन जाने बहुत कम शाजो नाजर अब तो देखने को नहीं ऐसे पेरेंट्स मिलते जो आखिरत की फिक्र कर रहे हैं। यकीन जाने बहुत अफसोस होता है। अल्लाह ताला हम सबको जब इस स्टेज पे लाए तो हमारे दिलों में अपना खौफ आखिरत की फिक्र पैदा करे, ताकि हम आइंदा आने वाली नस्लों के लिए पैदा कर सकें। जितने फितने उठ रहे हैं हमें खुद को बदलना है। अल्लाह हमें कुरान का फहम अता करे, अल्लाह कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे, अल्लाह हमें कुरान के साथ मोहब्बत वाला, यकीन वाला, कुर्ब वाला रिश्ता अता करे, अल्लाह हमें कुरान के साथ दोस्ती वाला रिश्ता अता करे, अल्लाह हमारा कुरान के साथ हिदायत वाला रिश्ता अता करे, अल्लाह हमें कुरान को अपना उड़ना बिछोड़ना बना दे। हमारी हर बात कुरान से शुरू हो, कुरान पे खत्म हो। कुरान ब्लैक एंड वाइट जिंदगी जीने का नहीं कहता, कुरान तो जिंदगी बहुत कलरफुल बना देता है, सुकून देता है, मायूसी खत्म कर देता है। बस एक बार आगे हाथ बढ़ाएं और कभी ना छोड़ने के लिए। अल्लाह हम सब के लिए कुरान को ऐसा मुंतखब करे कि हम जब आंखें बंद करें तो उसके बाद ये हमें तब बाद भी सुकून दे, हमारी कब्र में रोशनी की वजह बने। अल्लाह हमें कुरान के लिए जीना और कुरान के लिए मरना सिखा दे। अल्लाह हमारे अंदर इतना हौसला पैदा कर सके कि हम दुनिया के फितनों से बचकर कुरान तक आ सके। आमीन या रब्बुल आलमीन। واخر الدعوان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته